सो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग डोलाश्रम गए थे और अभी हम लोग आ गए हैं डोलाश्रम से और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं दूसरी जगह घूमने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि हम एक दिन में दो तीन जगह कवर करेंगे करके, तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं और हमें मिल गया धारे का पानी ठंडा ठंडा। तो हमने सोचा कि यहाँ पे हमने बॉटल ली थी पानी की, वो ख़त्म हो गई थी, तो हमने यहीं से भरा था। और ये पानी इतना ठंडा था ना, मतलब दो तीन घूंट से ज़्यादा पिया नहीं जा रहा था, क्योंकि पहाड़ों का पानी है ना जो सीर वाला निकलता है धारे का पानी, तो बहुत ठंडा होता है जो कि पेड़ों से निकलता है। देखिए यहाँ पे हरे हरे पेड़ हैं, उतीस और देवदार के बहुत सारे पेड़ हैं जो कि इकट्ठा होकर एक ऊपर टंकी बना रखी है, फिर उसके बाद वहाँ से नीचे आ रहा है नल के थ्रू, यहाँ पे नल लगाया है। और देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने आ रखे हैं और वो लोग यहाँ पे मुँह धो रहे हैं, हाथ मुँह धो के जा रहे हैं, क्योंकि ठंडा ठंडा है और गर्मी है, वैसे धूप पड़ रखी है। देखिए ऊपर वहाँ पे नल लगा हुआ है और यहाँ पे इतना हरा भरा और बहुत सारे पेड़ हैं, इन पेड़ों की वजह से यहाँ पे पानी आता है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी प्रेम मंदिर की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमें काफ़ी डिस्टेंस है, मतलब डेढ़ घंटा मान के चलो आप, तो वहाँ से डेढ़ घंटा लग गया था हमें पहुँचने के लिए प्रेम मंदिर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कच्ची सड़क भी थी तो इसलिए प्रॉब्लम भी हो रही थी कि यहाँ पे कच्ची सड़क स्टार्ट हो गई। वहाँ पर ना एक्चुअली स्कूटी ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती, बार बार स्कूटी बंद हो जाती थी, और स्कूटी थी हमारी रेंट वाली, क्योंकि हम लोग अपना लेके नहीं गए थे और काफ़ी दूर जाना था। हमने इतनी चला दी थी ना स्कूटी, भी बोल रही हूँ कि आज सारा धुआं निकाल दें इन्होंने हमारा, मतलब हमने स्कूटी पूरे दिन घिस रखी थी, वो पूरे दिन हम लोग कंटिन्यू चला रहे थे उसे, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा प्रॉब्लम भी कर रही थी, कभी कभी रुक भी जा रही थी, बट कोई नहीं, हमारा काम चल गया था शाम तक। देखिए हम आ गए हैं प्रेम मंदिर, एकदम टॉप में है ये, है जागेश्वर और जो दनिया है उसके बीच में एक रास्ता पड़ेगा आपको चढ़ाई में, वहाँ पे है, वहाँ से आपको चढ़ाई में जाना पड़ेगा पूरा, बहुत आगे तक है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा, मतलब 15-20 मिनट पूरे लग गए थे हमारे, क्योंकि हमें पता नहीं चल पा रहा था, हम भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे तो इसीलिए टाइम लग रहा था। और देखिए हम लोग पहुँच गए टॉप में है प्रेम मंदिर, और यहाँ पे ना एकदम वृंदावन पे है ना जैसे, वैसी ही थीम रखी हुई है। देखिए बाहर से इतनी प्यारे प्यारे मूर्ति रखे हुए हैं, बना रखे हैं यहाँ पे, एकदम गार्डन एरिया जैसे बना रखा है, गार्डन एरिया पे भी इतना प्यारा सा सजा रखा है, वहाँ पे राधे राधे प्रेम मंदिर और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जैसे ना प्रेम मंदिर में बना रखा है, बहुत प्यारा सा। मैं वहाँ भी गई हूँ वृंदावन में, तो वहाँ के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि यहाँ पे सिमिलरली मतलब वैसे ही बनाया गया है, छोटा है वो चीज़ अलग है, बट यहाँ पे ना बहुत प्यारा सा बनाया हुआ है एकदम हमारा छोटा सा प्रेम मंदिर, जो कि हम पहाड़ी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। देखिए यहाँ पे मोर पंख भी बनाए हुए हैं, मतलब ये चीज़ें बहुत प्यारी बना रही है, वाटर बॉडी भी है यहाँ पे, ऐसे देखिए ऐसा लग रहा है एक साइड से वाटर बॉडी भी है, और यहाँ पे शिव जी की मूर्ति भी है बहुत बड़ी, और बड़ा सा इसमें राधे राधे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिल बना हुआ है, देखिए एकदम प्यारा सा, अलग ही थीम रखी हुई है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब यहाँ पे मैंने अपना देखा नहीं है, वृंदावन में ही देखा था ऐसा, और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सा प्रेम मंदिर लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं बताऊँ ना, जब यहाँ पे जन्माष्टमी रहती है ना, जन्माष्टमी का त्यौहार आता है, तो इतना सुंदर सजाया रहता है यहाँ पे, बहुत प्यारा लगता है। मैंने वीडियोज़ देखी है यहाँ के, तो मैं उसी वीडियो के जरिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि अगर पता नहीं चलता ना, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो से पता चलता है कि हाँ कहाँ कौन सी चीज़ है सुंदर, कौन सी चीज़ है, तो लोग इसीलिए आधा वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, आधी वीडियो के ज़रिए ही वो जाते हैं। तो मैं भी इसीलिए आई, मैंने यहाँ पे जन्माष्टमी की वीडियो देखी थी, बहुत सुंदर सजाया हुआ था, क्योंकि उस टाइम भी है कि त्यौहार श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत प्यारा बनाया जाता है, और एकदम टॉप में है। आप यहाँ से देखेंगे आपको सारा चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पहाड़ दिखाई देंगे, दूर दूर तक पहाड़ी दिखाई देंगे, गांव भी यहाँ पे कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि है भी नहीं उतने, पेड़ ही पेड़ है, जंगल एरिया है। जब हम आए थे हमें पता भी नहीं चला था कहाँ पे है कहाँ पे है करके, बट हम अब बहुत आगे आते रहे तो उसकी वजह से थोड़ा पता चल गया था हमें। तो गाइज आपको ये हमारा प्रेम मंदिर कैसा लगा? वृंदावन का प्रेम मंदिर तो सभी के हैं, वहाँ का तो सभी पसंद करते हैं, तो हमारा ये अल्मोड़ा का, उत्तराखंड अल्मोड़ा का प्रेम मंदिर किसको पसंद आया है और कौन आना पसंद करेगा? जो हमारे लोकल एरिया के हैं वो उन्होंने तो सभी ने देखा है, बट काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ जैसे, तो ऐसे ही वीडियो देख के सब लोग आते हैं कि हाँ प्रेम मंदिर है करके। तो फाइनली हम लोग यहाँ भी घूम के निकल गए थे, 4:30 बज चुका था, हमें 4:30 हो चुका था यहीं पे ही, तो काफ़ी लेट भी हो गया था इसीलिए। और फिर जब मैं घर पहुँची, पता है रोड पे पहुँची, तो मैंने जैसे बताया था आपको, हमारा डॉगी हमें लेने के लिए आता है, देखिए वो आ रखा है लेने के लिए, उसको ना बिल्कुल पता है कैसे चल जाता है, मुझे भी नहीं पता है, उससे पहले पता चल जाता है कि हाँ कोई तो आने वाला है।
घर पे अगर कोई भी मिसिंग होता है या फिर सुबह किसी को जाते हुए देखता है ना, तो शाम को लेने के लिए आ जाता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल्पना नेगी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।